फिर से एक नया वीडियो आप लोग के लिए। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल गिलन मारुती वर्कशॉप और फायर सर्विस स्टेशन। आज हम लोग के पास आया है नेक्सा, तो चलिए हम लोग फुल डिटेल में जान लेते हैं नेक्सा का डैमेज सेट। नेक्सा का तो इग्निस है, इग्निस का डैमेज सेट देख लेते हैं। इसका फ्रंट बम्पर डैमेज है, रेडिएटर साउथ सिमली कंडेंसर फ्रंट बम्पर फ्रंट ग्लास और इसका आपका फेंटा राइट साइड का और इसका मिडिल मेंबर भी डैमेज है। तो चलिए इस गाड़ी का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आप लोग को, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे आप लोग। तो इग्निस हम लोग का डेंटिक सेक्शन में आ गया, इसके बम्पर रिमूव कर लिया गया, इसके बॉन भी रिमूव कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो ये फेंडर है उसको भी खोल लिया जाएगा। उसके बाद डेंटिंग का प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद कलरिंग प्रोसेस करने के लिए उसको भेजा जाएगा। इग्निस का डेंटिंग का जो काम है वो कंटिन्यू किया जा रहा है अभी। इसका जो फ्रंट ग्लास तो डैमेज हो गया था, उसको फ्रंट ग्लास को खोल लिया गया। उसके बाद हम लोग का जो फ्रंट ग्लास का जो जेल होता है उसको हम लोग को रिमूव करना होता है। उसके बाद नया जेल बिठा के फिर से वो ग्लास नया ग्लास बिठाना होता है हम लोग को। तो इग्निस का जो नया ग्लास है उसके ऊपर बिठा लिया गया, मतलब अटैच कर लिया गया उसके ऊपर नया ग्लास। जो इग्निस का साउथ असेंबली साइड होता है जैसे कि रेडिएटर कंडेंसर और आपका साउथ असेंबली, वो हम लोग अलग से अटैच कर लेते हैं। उसके बाद गाड़ी में हम लोग अटैच करते हैं साउथ असेंबली साइड को। इग्निस का डेंटिंग का काम, मैकेनिकल काम कंप्लीट हो गया। अभी रह गया हम लोग का कलरिंग का काम। तो चलिए हम लोग कलरिंग प्रोसेस के लिए आगे चलते हैं। इसका गाड़ी का जो सब आपका बोनेट है वो कलर प्रोसेस के लिए रेडी किया जा रहा है, फेंडर भी कलर प्रोसेस के लिए रेडी किया जा रहा है, इसका बम्पर भी कलर प्रोसेस के लिए रेडी किया जा रहा है। इग्निस की बम्पर के ऊपर, फेंडर के ऊपर, बोनेट के ऊपर और मिडिल मेंबर के ऊपर पहला कोट अप्लाई कर लिया गया है। उसके बाद क्लियर कोट अप्लाई किया जाएगा। क्लियर कोट जब अप्लाई करा था तो आप लोग खुद देख सकते हैं इसका जो क्लियरिटी है, क्लियरिटी कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए। आप लोग खुद देख सकते हैं जब क्लियर का अप्लाई किया जा रहा था। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो फाइनली इग्निस का कलरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद गाड़ी में अटैच किया जाएगा मिडिल मेंबर। तो मिडिल मेंबर अटैच करने के बाद हम लोग का फेंडर अटैच किया जाएगा, उसके बाद बोनेट अटैच किया जाएगा, उसके बाद बम्पर के ऊपर अलग से ग्रिल को अटैच किया जाता है, उसके बाद गाड़ी में अटैच किया जाएगा इग्निस के ऊपर। इग्निस का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग एक बार अच्छे से फाइनल शॉट देख लेते हैं इग्निस के।
আমি যোনখিনি বনাইছোঁ এইখিনিয়ে দেখাই আছোঁ।